आपका क्वेश्चन है इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो दिस इज योर सर्कल, ओ इज द सेंटर, तो कैसा दिया हुआ है देखो, यहां पर इसने दे रखा है 35 डिग्री, यहां पर दे रखा है एक्स, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे देखो, जस्ट वी विल टेक दिस ट्रायंगल ए ओ बी, तो ट्रायंगल इज आवर ए ओ बी, ठीक है ना। तो सेंटर है ये, तो अगर आप किस साइड में कहीं पर भी टच कर रहे हैं तो दैट इज आवर रेडियस। तो सपोज दिस इज योर रेडियस, तो ये भी आपका रेडियस हो गया, तो आपका ए ओ इज इक्वल टू ओ बी हो गया। दैट इज इक्वल टू योर रेडियस ना। अगर दो साइड किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल होता है, वो आइसोसेलस ट्रायंगल, है ना। तो आइसोसेलस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे, दे आर ऑल्सो इक्वल, सिंपल है ना। तो नाउ वी कैन से दैट बाय दिस वी कैन से एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, दैट इज इक्वल टू 35 डिग्रीज। हाउ, बाय आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है नाउ, तो ये आपका 35 है तो ये भी आपका 35 हो गया। तो नाउ दिस एंगल क्या हो गया आपका, 180 डिग्री माइनस 70, तो आपका आ गया एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है ना। तो एंगल एओबी आपको निकालना है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस दिस टू एंगल्स, कितने हैं 35 प्लस 35 इज 70 डिग्रीज, तो -70 डिग्रीज, तो दैट इज इक्वल टू आपका क्या होता है 110 डिग्री। तो दिस एंगल इज 110 डिग्रीज ना। अब आप देखो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं आपके, एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर सीइंग अपोजिट टू ईच अदर, है ना। अपोजिट है, ये उधर देख रहा है ये इधर देख रहा है। तो अगर आपका अपोजिट है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक दैट एंगल्स इन सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, वी विल टेक नाउ रिफ्लेक्स ऑफ एओ बी, दैट मीन्स दिस एंगल। तो दिस इज योर रिफ्लेक्स, है ना। तो रिफ्लेक्स ऑफ एओ बी, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी दैट इज इक्वल टू कितना होता है, फुल एंगल इज 360 डिग्री एक पॉइंट के, 360 डिग्री माइनस 110। दैट इज इक्वल टू 250 डिग्रीज, ठीक है। तो दिस एंगल इज 250 डिग्रीज, और हमको मालूम है सेंटर एंगल इज ऑलवेज डबल देन द साइड एंगल, सेंटर एंगल इज डबल देन साइड एंगल, ठीक है ना। तो सेंटर एंगल इज 250, दैट इज योर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द साइड एंगल, दैट इज योर ए सी बी,
तो ये कितना है आपका 250, तो आपका आ जाएगा 250 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एसीबी। तो एंगल एसीबी कितना हो गया आपका 250 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 125 डिग्रीज। ठीक है, तो x इज योर 125 डिग्रीज। तो इस तरह से आपको इसको निकालना।